नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब तक की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है, जिससे सबसे पहले आपका अपना पीएस क्लासेस आप तक पहुंचाने जा रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि वो बड़ी अपडेट क्या निकल करके आ रही है और उसका जो है प्रत्यक्ष जो है आपको प्रमाण दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए खुद देखिए इस वीडियो में क्या है आपके नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के बड़ी खबर, टीजीटी पीजीटी यूपी टेट परीक्षा और अन्य भर्तियों को लेकर के बड़ी खबर, खुद देखें। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश तक हमारी आपकी आवाज मजबूती से पहुंच रही है। ऐसे में आप सभी को बताना चाहूंगा मित्रों कि आंदोलन को तेज करने की आवश्यकता है, आंदोलन में आपके योगदान की आवश्यकता है, आंदोलन में आपके सक्रिय होने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में खाली पदों को भरने का काम करे, जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज शुरू करे, तो आपको भी थोड़ा सा सक्रियता दिखानी है। फैसला आप सभी के हाथ में है कि आखिर आप सक्रिय होते हैं या नहीं होते हैं। मामले बहुत स्पष्ट हैं किस मुद्दे को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। चीजें बहुत ही क्लियर हैं, खासतौर से टीजीटी पीजीटी में जो 25,000 पद है उसको लेकर के, एलटी जीआईसी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के और उम्र सीमा में छूट आदि को लेकर के जो है, तो आप सभी से निवेदन है। और सबसे बड़ी खबर है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि सुनिश्चित समझिए। जैसा कि तमाम लोग दावा कर रहे थे कि फरवरी मार्च में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, तो ऐसे हालात में आप सब समय की नजाकत का अंदाजा लगाएं। आप लोग समय को पहचाने, समय का अनुमान लगाएं। आखिरकार क्या फरवरी और मार्च में टीजीटी की परीक्षा संभव लग रही है? अगर लग रही है या नहीं लग रही है तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। लोक सेवा आयोग ने बदलाव किया है और बड़ा बदलाव किया है, और जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि क्या बदलाव किया गया है।